कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी राजनांदगांव के ग्राम मोहड़ पहुंची, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जो धरती है वह खास धरती है, 5 साल तक ये कांग्रेस की सरकार रही है, भूपेश बघेल ने यहाँ काम किया है, अभी भाजपा की सरकार है, आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस ने क्या काम किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं की, 10 सालों में महंगाई खत्म क्यों नहीं हुई, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, आपने क्यों कुछ नहीं किया। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, अभी कवासी लखमक आप भाषण सुने, जोरदार रीत नहीं बढ़िया। बस्तर के प्रथम चरण के चुनाव हो गए और वहां से छत्तीसगढ़ में जीत के शुरुआत भाई कवासी लखमा करे, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। 26 तारीख के तीन लोकसभा के चुनाव हुई और ओकर बाद 7 लोकसभा तीसरा चरण में, ये वक्त लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के लहर चला थी। पहली हमन एक या दो सीट जीतत रहे, लेकिन ये वक्त भारतीय जनता पार्टी शायद एक आध दो सीट में जीत जाए, बचा सब सीट कांग्रेस जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ठगे काम करे है, आपके भावना के साथ खिलवाड़ करे के काम करे है, और जब मौका मिले है तब ठगे है। चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहा है तब, चाहे अभी विष्णु देसाई मुख्यमंत्री है तब, हमेशा किसान ला, मजदूर ला, महिला मन ला, ये मन ला सकाऊ पाए है। जब देख बेट तब ठगी, रमन सिंह के कई सौ दू के रही से कभू नहीं मिले, आदिवासी मन ला की जर्सी गाय दू कभू नहीं दीस, मिलीस कोनो नहीं मिले, 5 साल बोनस दू कि 2 साल बोनस और 3 साल कोनस, ये रमन सिंह के रीस है। बीच में हम अल्लाह मौका मिलीस, राहुल जी आए रही से किसान से वादा करे रही से, कांग्रेस में यदि किसान कांग्रेस छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्जा माफी हो ही, 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी हुई, सब परिवार लो 35 किलो चावल मिली, बिजली बिल हाफ हो ही, 5 साल विपरीत परिस्थिति में भी आप सबके सेवा करें, केंद्र सरकार अंगा लगे इस कोरोना काल है इस ओकर बावजूद भी किसान और कांग्रेस के संबंध लग कभू हम दरार नहीं आन देन, हर परिस्थिति में किसान के मजदूर के गरीब के महिला मन के साथ हमन खड़े रहे। आज जतेक योजना हमन चलात रहे वो सब लब बंद कर थे। भारतीय जनता पार्टी कई कायरी से 3100 रुपये हम धान खरीदबो, एक मूस देबो, नगद देबो, पंचायत में देबो, अतेक जन बैठे हजारों की तादाद में एक भी किसान बता दे कोनो पंचायत में नकदी रुपया मिले हो, किसान ला मिले है बता दो, नहीं मिले। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत गर्मी है आज, मैंने सुना कि शादी का भी समय है, बहुत शादियां भी हैं, फिर भी आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, आपकी जो ये धरती है एक बहुत खास धरती है, आपकी मेहनत से बनी है, आपने छत्तीसगढ़ को अपनी मेहनत से, अपनी खेती किसानी से, अपनी मजदूरी से, अपनी कामयाबी से ही एक कामयाब प्रदेश बनाया। आप जानते ही हैं कि आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बघेल जी आपके मुख्यमंत्री रहे, 5 सालों के लिए आपने उनमें भरोसा किया,
और उन 5 सालों में आपने खुद देखा कि एक प्रदेश के लिए कितना काम हो सकता है। शायद चुनाव के समय, जब प्रदेश का चुनाव था, उस समय शायद आपको पूरा यकीन नहीं था इस बात का, या आपने गहराई से इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूं कि आज जब आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस बात को गहराई में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में आपसे धान 2500 रुपए में खरीदा जाता था, आपको याद है। किसानों का कर्जा माफ हुआ, भूमिहीनों को सालाना 7000 रुपए मिलते थे, गोबर की खरीद होती थी, बिजली का बिल आधा किया गया था, हर परिवार को 35 किलो राशन मिलता था, चावल मिलती थी, आदिवासियों को आपको जमीन वापस मिली, कई ऐसे परिवार हैं जिनको पट्टा मिला, तेंदू पत्ता का सर्वाधिक दाम हुआ होता था, और आंगनबाड़ी और मितानीन बहनों को का मानदेय बढ़ाया गया था, आपकी स्वाभिमान, आपके स्वाभिमान की रक्षा की गई थी। आपको याद है ये सब बातें कि नहीं? और आज जब भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है, जितना काम बघेल जी ने गोठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गोठानों से मिलता था, वो सब बंद हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट बंद हो रहा है, भूमिहीनों को पैसा मिलना बंद हो रहा है, तो आज आपको पूरी तरह से ये एहसास होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी क्या परिस्थिति थी, और जब भाजपा की सरकार है तो आपकी क्या परिस्थिति है। तो फर्क आपको साफ साफ दिख रहा है। आज चुनाव का मौका है, मैं आपके सामने चुनाव की बातें करने आई हूं, लेकिन उससे मैं कुछ गहरी बात करना चाहती हूं।